हेलो, हाँ जी गाइस, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज का जो व्लॉग रहेगा ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा यार, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट रहता है कि हम लंदन में, सबको पता है कि एक्सपेंसिव है, लंदन कितना एक्सपेंसिव है और यहाँ पर आप कितना अर्न कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट, तो वो मैं एग्जैक्टली बताने वाला हूँ। और आप जो अर्निंग करेंगे उसमें से आपको कुछ बचेगा या नहीं बचेगा, तो वो भी इसी व्लॉग में मैं बताऊँगा आपको। तो व्लॉग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी आने का प्लान कर रहे हैं तो उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगा कि एक आइडिया हो जाता है कि अपना कितना एक्सपेंस होने वाला है, कितना अपन अर्न करने वाले हैं और कितना उसमें सेविंग होने वाला है। क्योंकि कुछ लोग ये भी सोच करके आते हैं कि यहाँ पर जा करके हम अपनी फ़ीस निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, या कुछ फ़ीस पे करके आते हैं 60% 40% वहाँ जा करके अर्न करके पे कर देंगे, तो वो हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो भी इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो इसमें आपकी काफ़ी सारे मैं इन्फॉर्मेटिव व्लॉग बनाने वाला हूँ जो एक्चुअल में मैं फेस कर रहा हूँ उसके ऊपर, तो प्रैक्टिकली बनाएंगे, तो अपने रियल लाइफ एग्जांपल लेकर के। ठीक है, तो ठीक है गाइस, करते हैं स्टार्ट। यस गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आज एक तो मौसम काफ़ी अच्छा, तो अभी मैं घर के बाहर बैठा हूँ आराम से, तो शुक्र है क्लाउड्स नहीं है, बारिश नहीं हो रही, काफ़ी क्लियरिटी अच्छी आ रही है और आई होप आपको वॉइस भी क्लियर आ रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंस की। तो लंदन में एक्सपेंस की बात करेंगे बाद में, पहले अर्निंग की बात करते हैं कि एक स्टूडेंट कितना अर्न कर सकता है। तो एक स्टूडेंट को 20 आवर्स अलाउड होता है इन अ वीक। ठीक है, वीक में 20 आवर्स वर्क कर सकते हैं हम। तो 20 आवर्स में हमारे को जो वेज रेट रहता है स्टूडेंट का, वो 10.67 आई थिंक है, जो मिनिमम है जो यहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग है, तो 10.67 रहेगा। तो किसी को 11 भी मिल जाता है, 11.50 भी मिल जाता है, 12 भी मिल जाता है, बट हम मिनिमम की बात करते हैं 11 की। ठीक है, सपोज आपको 11 आवर्स में वर्क मिल जाता है किसी भी रेस्टोरेंट में, वेयर हाउस में, किसी भी स्टोर में, कहीं पर भी। ठीक है, तो वहाँ पर आपको 20 आवर्स के लिए मिल गया 11 पाउंड्स पर आवर रहेंगे, तो जो आपका वीक का बनता है 220 पाउंड्स पर वीक, और मंथ का बनेगा आपका 880 पाउंड्स पर मंथ। ये मिनिमम रहेगा आपका अगर आपका जॉब लग जाता है तो, और आपको आवर्स पूरे मिल रहे हैं तो। ठीक है, तो इतना आपका 880 बन रहा है, ये मिनिमम है। आपका 900 भी बन सकता है, 950 भी बन सकता है, 1000 भी बन सकता है, और अच्छी बात यह है 1200 के नीचे अगर आप अर्न कर रहे हैं तो उस पर टैक्स भी नहीं पे करना आपको। मंथली आपका 1200 पाउंड्स अगर बन रहा है, तो ये तो हो गया आपकी अर्निंग की बात। अब बात करेंगे एक्सपेंस की। ठीक है, एक्सपेंस में भी 4-5 चीज़ों के एक्सपेंस होते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो उसको थोड़ा डिटेल में समझाऊँगा अभी। तो पहला आता है आपका, आपका अकोमोडेशन ढूंढना होता है। ठीक है, अकोमोडेशन मतलब आपका रहने का आपका रेंज हो जाएगा, तो वो उसका जो रहता है रेंट आपका रहेगा 300-400 के अंडर में ही आप ढूंढना मिल अवेलेबल। तो मतलब बहुत रहते हैं कि आपको 1000 तक भी अफोर्ड कर लो, जितना मर्जी ले लो, मतलब एक्सपेंसिव तो बहुत मिल जाएंगे आपको। बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी रूम ढूंढ रहे हैं, आप अपनी रेंज 300-400 ही रखो, 400 के ऊपर मत जाना, क्योंकि वो फिर आपका कुछ बचेगा नहीं उसमें, अगर आप जितना ज़्यादा रूम रेंट रहेगा आपका। तो मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आपका 400 में मिल जाता है आपको। ठीक है, 400 आपका रूम रेंट चले जाएगा। अब बात करते हैं ग्रोसरी की। ठीक है, रूम रेंट के बाद ग्रोसरी आता है, अपने को खाना का कितना रहता है, जो अपना फूड वगैरह रहेगा उसका कितना रहेगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप टिफ़न लगाते हैं 150 टिफ़न का प्लस 50 पाउंड्स आपका ऊपर का लगा लो, 50 से ज़्यादा ही जाएगा, कम नहीं जाएगा, क्योंकि टिफ़न आपका 5-6 डेज आएगा, एक दिन नहीं आएगा। और टिफ़न में खाना होता है वो 2 टाइम का होता है, एक टाइम का आपको खुद ही कुछ ना कुछ बाहर से खाना पड़ेगा, तो 200-250 की रेंज में जाएगा अगर आप खुद कुकिंग करते हैं। तो उसमें आपका 100 पाउंड्स रहेगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें कितने की मिलती हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत सस्ती हैं, अपने इंडिया वाले प्राइस में ऑलमोस्ट मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर पाउंड की वैल्यू है, वहाँ की तरह नहीं कि 1 रुपये में कुछ नहीं आता, यहाँ 1 पाउंड में बहुत कुछ आता है। ठीक है, अगर हम मिल्क की बात करें, जो बेसिक नीड्स रहती हैं, पहला मिल्क हो गया, मिल्क का आ जाता है 1.5 पाउंड का 2 लीटर। ठीक है, दालों की बात करें पल्स, तो वो आपको सारी दालें मिल जाएंगी किसी भी इंडियन स्टोर से, 2 पाउंड में 1 kg दाल इजीली आ जाती है, कोई भी ले लो आप, 2 पाउंड के अंडर 2.190, तो मतलब इंडिया का ऑलमोस्ट प्राइस ही हो गया मैच करके इसका भी।
जो एग्स खाते हैं, एग्स भी मतलब 1.5 से 2 पाउंड के 15 एग्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आटा, आटे की बात कर लेते हैं। आटा आप, मैं प्रेफर करूँगा आशीर्वाद के लेना। आशीर्वाद का थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, डबल रेट रहता है, बट आपको आपका 1 kg 10 kg 1 month चल जाएगा, तो वो काफ़ी हेल्दी रहता है। मैंने दूसरा आटा यूज़ करा था, तो उससे मेरे काफ़ी चीप के चक्कर में मेरे हेल्थ पे फ़र्क पड़ता, उससे वेट लूज़ होने लग गया था। तो आशीर्वाद का आटा यूज़ करना आप, वो आपको पड़ जाएगा 15 pounds में 10 kg, और अगर मल्टीग्रेन लेते तो 20 pounds में 10 kg, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी बहुत चीप हैं। पनीर भी अगर हम बात करें, पनीर वो है 4 pounds का 1/2 kg। तो खाना काफ़ी चीप है, और इसमें मैं आपको कुछ सजेशंस भी दे देता हूँ, क्योंकि खाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अगर आप खुद से कुक करने बैठो तो आपके 2-2.5 घंटे कहाँ जाएंगे। आप सब्जी बनाओगे, आटा गूनोगे, उसके अलावा बहुत क्लीनिंग वगैरह में आपके कम से कम 2 घंटे जाएंगे, 2-2.5 घंटे। तो उसके लिए आप एक बार इकट्ठे ही रेडी करके रख सकते हैं। जैसे कि मैं अपना मसाला एक बार में रेडी करके स्टोर करके रख लेता हूँ, जिसमें ऑनियन, टमाटो, अदरक, लहसुन, जो भी मतलब डालना है, सारा मिक्स करके उसका ग्रेवी तैयार करके उसको स्टोर कर लो। तो आपको मतलब कोई भी सब्जी बनाने में 5 minutes या 10 minutes से ऊपर नहीं लगेगा। आपको सिर्फ कढ़ाई में मसाला डालना है, पनीर है पनीर डाल दो, मशरूम है मशरूम डाल दो, तो आपका वो रेडी हो जाएगा 2 मिनट में। ऐसे आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है, कि कुकिंग थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो ये होगी इसकी बात फूड की, फूड आपको कैसे चीप पड़ेगा, कैसे आप यहाँ पर पैसा बचा सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रैवलिंग की। ट्रैवलिंग के लिए तो दो चीज़ें आपको रिकमेंड करूँगा, आप जो भी आ रहे हैं। तो एक तो ओइस्टर आता है, ओइस्टर आप नॉर्मल बनवाना, एक स्टूडेंट ओइस्टर आता है वो मत बनवाना, 20 pounds मैंने ख़राब कर दिए थे। अब सर्च करोगे स्टूडेंट ओइस्टर, उसका कुछ बेनिफिट नहीं है, ठीक है, नॉर्मल ओइस्टर बनवा लेना। अगर ज़्यादा ट्रैवलिंग है ना आपकी, तो एक 30 pounds का कार्ड बनता है रेलवे का कार्ड बनता है, वो आप रेलवे से बनवा लेना, जिस पे आप ओइस्टर से भी लिंक करवा सकते हैं उसको अपने। प्लस आप उस कार्ड को कैश में भी अगर टिकट लेते हैं, 30-40% डिस्काउंट मिल जाएगा, 1 year के लिए वैलिड रहता है। तो ट्रैवलिंग ज़्यादा तो आप उसको ओइस्टर से लिंक करवा लेंगे। अगर आपका वैसे 2 pounds कुछ लग रहा है या 4 pounds कुछ लग रहा है, उसमें काफ़ी आपका सेव होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा जैसे कम रहता, तो मेरा तो मतलब 50 pounds में हो जाता है, 50 pounds ही रहता है मेरा ट्रैवलिंग। तो आपका हम सपोज 100 pounds में आपका ट्रैवलिंग प्लस जो आपका मोबाइल का रिचार्ज रहता है, मैंने वॉक्सी ले रखा है, वॉक्सी का सिम ले रखा है, तो मेरा 12 pounds per month पड़ता है। बाकी आप अगर कोई भी लेंगे तो कम से कम ही चीप लेना, 20 pounds का भी आता है, 25 का भी आता है। तो मेरा 12 pounds का है, उसमें काफ़ी अच्छा सिम है, तो वो आप सर्च कर सकते हो। जो मैं बता रहा हूँ उसकी एक डीप वीडियोज़ अगर आपको जानी है, मतलब कौन सा कार्ड ये वो एक अलग सी वीडियोज़ काफ़ी सारे हैं उसके ऊपर। मैं अपने एक थॉट प्रोसेस या फिर अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करा वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो ये आपका हो गया मतलब 400 + 100 आपका ग्रोसरी प्लस 100 आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस, मतलब 600 आपका हो गया एक्सपेंस, ठीक है, 600। अब आपके पास बच रहे 280 pounds में से आप फीस तो नहीं निकाल पाओगे। आप फीस तो मतलब आपको अरेंज करके ही आनी है इंडिया से, फुल फीस आप अरेंज करके आना, फीस नहीं निकलेगी आपकी यहाँ पर आकर के। फीस इनफैक्ट कनाडा में भी नहीं निकलती, वहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स फीस पे कर देते हैं वहाँ जा करके, वो अपनी GIC यूज़ करते हैं, बाकी वो एक्सपेंस ही निकलता है, ठीक है। बाकी जो सेव हो रहा है आप उसको इन्वेस्ट करो, ठीक है। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओ, आप अपना कंस्ट्रक्शन का कोई कार्ड बनवा लो, आप अपना कोई भी एक कार्ड बनवा लो जिससे आपको काम मिलता रहे, ठीक है। तो उसको आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो, या फिर आप उसको सेव कर लो। आपका जो PSW के चार्जेस रहेंगे उसके लिए आप सेव कर लो उसको, तो वो आपको इन फ्यूचर काम आएंगे PSW के लिए, जो भी आपकी सेविंग हो रही है। और PSW के चार्जेस है 2900 pounds, तो आप उसको आप सेव करके रख लो। और एक और बात मैं आपको क्लियर करता हूँ कि यहाँ पर आकर के बहुत सुनने को मिलेगा जो वेजिटेरियन है, कि यहाँ आपका नॉन वेज के बिना सर्वाइव नहीं होगा। तो गाइज़ अगर आप कुक करना जान रहे हो ना, तो आपको नॉन वेज खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ मिल रहा है, वो भी चीप रेट में। आप खुद कुकिंग कर सकते हो, आपको मशरूम, दालें, बल्कि आप कैन भी ले सकते हो, कुक्ड कैन रहते हैं 1 pound के दालों के, उसको आपने गर्म करा, रोटी के साथ खा लिया, ठीक है, मसाला तैयार करके। तो वो सब कुछ ज़रूरत नहीं है। मैं खुद नॉन वेजिटेरियन था, बट यहाँ आने से पहले छोड़ दिया था मैंने नॉन वेज खाना, तो यहाँ पर अभी मैं वेज ही खा रहा हूँ। तो वो इजी है, कोई स्टार्ट मत करो, इतना आपका सर्वाइव हो जाएगा। वेज फूड में भी काफ़ी कुछ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा एक्सपेंस बता दिया, एक्सपेंस कितना होने वाला है, 280 pounds आपके बचेंगे, और आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हो, जो मैंने बताया, ये मैंने आपको मिनिमम बताया।
और कैसे कमाना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें हाउ टू गेट अ जॉब। अभी मैं भी अभी कुछ सर्च कर रहा हूँ उसके ऊपर कि जॉब्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, उसके ऊपर मेरे को अगर कुछ प्रैक्टिकली समझ में आता है तो मैं आपके सामने एक अच्छी सी वीडियो उसकी बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं भाई जॉब कैसे लें, जॉब कैसे ढूंढें, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये मैंने आपको इस वीडियो में सिर्फ इतना बताया कि आपको अर्न कितना कर लोगे, एक्सपेंस कितना होगा, सेव कैसे कर लोगे ट्रैवलिंग में, फूड में, ठीक है, और रेंट का कैसे किस रेंज में आपको ढूंढना चाहिए। तो ये चीज़ें आप तीन चार चीज़ें ध्यान में रखो तो सही सर जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाकी बढ़िया इन्फॉर्मेटिव व्लॉग बनाते हैं। ओके ओके गाइस।